Very good. हाँ भाई डाउन कर लो बेटा पहले नुस्खा को तुम्हारे डाउन लाओ भाई और बता कहाँ लिख सकते हैं बुक में से नहीं है डाउन तुम्हारे निकालो अच्छा टेस्ट तुम्हारा मंडे को है थैंक यू कल मैं क्लास में आऊँगा लेकिन बाकी टीचर्स ने लगा रहे ठीक है कल क्लास लगा लो बेटा फिजिक्स की तो लगाई दो एक घंटा तुम्हारा जो टाइम तुमको सही सुटेबल हो उस पे आ जाओ तो सुबह ही बुला के काम करो जब जब तुम बोलो सुबह कितने बजे देख लो सर जल्दी करा जल्दी बुला ले 8 बजे नहीं फिर 6 बजे ना बुला लो 6 बजे 6 बजे थोड़ा जल्दी हो जाएगा ज्यादा बुला लो संडे बोलो 6 बजे बुला लो सात से आठ एक घंटा पढ़ लो ठीक है नेक्स्ट चैप्टर मैं करवा दूंगा स्टार्ट ठीक है कल का दिन वेस्ट मत करो क्योंकि पहले भी मेरे से दो हो गए थे वो थोड़ा सा रिकवरी करनी पड़ेगी अपने को ठीक है ताकि अपना जो सिलेबस का ट्रैक है वो सही रहे और तुम्हारा तो फिर दूसरा बैच भी होगा है ना तो उसको मैं उसको नेक्स्ट ही कर देंगे ना 5 घंटे उसको नेक्स्ट ही कर देंगे जैसे आज भी नेक्स्ट है वो है ना तो बताओ 7 से 8 और 8 से 9 कर दूं फाइनल लाइफ तुम्हारा सही 6 से 7 बोलो 6 से 7 7 से 8 ठीक है तो प्लस 1 का कल टाइमिंग 7 to 9 रहेगा इसका मतलब ये हो गया ठीक है चलो अपना फाइनल है हाँ बेटा तुम बताओ डाउट गर्ल तुम्हारे फिर मैं तो अभी बताऊँ जो टाइम होता है जो अपने कैपिलर स्लो के अंदर जो अपने टाइम खुद लेट करना होता है वो 1 ईयर कब करते हैं 365 डेज कब करते हैं 24 आवर्स कब करते हैं जब अर्थ सन के अराउंड घुमा रहे हो तो 365 डेज लोगे जब अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो उसको तो 24 आवर्स लोगे और 1 ईयर कब लेंगे 1 ईयर 365 डेज हो गया स्पेसिफिक वन सर कुछ न्यूमेरिकल उन्होंने 365 से सॉल्व किए हुए कुछ न्यूमेरिकल 1 लेके सॉल्व किए हुए हां तो जब अगर 1 लेके सॉल्व करोगे उसमें उसमें आंसर भी इयर्स में आ जाएगा अगर 365 डेज लोगे हां हां उससे वो नहीं अगर मान लो वो आंसर पूछे कहता आपको बोले कि टाइम पीरियड निकालो इयर्स में तो फिर आप उसको 1 ईयर ही लोगे हफ्ते को अगर वो कहे कि टाइम पीरियड निकालो डेज में तो फिर आप अर्थ वाले को डेज में लोगे हाँ बात समझ आ गई अब मान लो वो आपसे पूछ रहे हैं डेज में और आप उसको 1 लेके क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो बाबू तो गलती आपकी है ना फिर समझे आर यू गेटिंग सो बाद में डेज में कन्वर्ट कर दो हाँ नहीं कर मान लो ना करे हो पहली बात तो ले ही उसमें लो अगर ईयर्स में ले तो ईयर्स में लो स्टार्टिंग से अगर डेज में ले तो डेज में लो समझ रहे हो हाँ और बताओ सर एक कैपलर शो के अंदर एंगुलर मोमेंटम था ना हाँ था वो एक बार एक्सप्लेन कर दो कैपलर्स लॉ के अंदर सेकंड लॉ कैपलर सेकंड लॉ में क्या था एंगुलर मोमेंटम तो उसकी डेरिवेशन एंगुलर मोमेंटम का तो मैंने एक फार्मूला लिया था सीधा जो अपन ने यूनिट नंबर 5 में पढ़ा था ज्योमेट्री का ये कैसे ये 59 इसमें कर तो लिया है 59 एग्जांपल मैंने पूछा है सर हां तो 59 तो मैंने क्लास में करा दिया था जो थ्योरी है आप याद करो मैं आपको बताता हूं आप रिमाइंड करो मैंने ये बताया था आपको सुनो ध्यान से कैपलर सेकंड लॉ बता दो फिर से साहब देखो आज आप अपने डाउट पूछ लो आपके पास कल कल का दिन बीच में पेंडिंग है और परसों मेरे को सभी बच्चों की परफॉर्मेंस चाहिए टेस्ट में तुम्हारा भी टेस्ट है दूसरे वाले बैच में भी लॉस ऑफ मोशन का वो मैं मंडे को नहीं लूंगा किसका हाँ वो वेडनेसडे को रखा है ना मैंने हाँ बस ठीक है उसमें आपके पास टाइम होगा अगर इसका मैंने कहा इसका मंडे को है तो फिर उसका वेडनेसडे को जाएगा यही कहा ना मैंने कैपलर सेकंड लॉ बताता हूं फिर से ठीक है ध्यान से सुनना आप ये मान लो ये कौन है ये किसी प्लेनेट का
इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये क्या है? किसी प्लेनेट का इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसके अंदर सन कहां होगा? सेंटर में तो होगा नहीं। फर्स्ट लोग कहता है या तो सन लेफ्ट फोकस पे होता है या राइट फोकस पे होता है। तो चलो सन मैंने यहां मान लिया, सन यहां है और प्लेनेट प्लेनेट मान लो यहां पे है। ये ए पॉइंट है, प्लेनेट इज एट पॉइंट ए, ठीक है। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट। ये जो लाइन है ये सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ओके, मान लो प्लेनेट ए से बी गया। अरे प्लेनेट घूम रहा है ना, तो प्लेनेट कभी ना कभी ए पे आएगा, फिर ए से बी पे तो जाएगा ना। वो जब वो ए से बी पे जाएगा प्लेनेट, तो ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे घूम जाएगी, ये लाइन ऐसे घूम जाएगी। तो इस लाइन ने जो एरिया कवर किया वो ये वाला एरिया आ गया। दिस इज द एरिया एस ए बी स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लेनेट इन टाइम। चलो मैंने टाइम मान लिया कितना, टी वन। मैंने ये मान लिया कि प्लेनेट को ए से बी में जाने में कितना समय लगा है, टी वन समय लगा है। तो जब वो प्लेनेट ए से बी में गया है टी वन टाइम के अंदर, तो जो सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसने जो एरिया स्वीप किया है वो ये वाला एरिया स्वीप किया है। अब ऐसे ही मैं आगे एक सी पॉइंट लेता हूं, तो ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लेनेट। मान लो प्लेनेट सी पॉइंट पे है। अब वो प्लेनेट सी से कहां गया है, डी पे गया है। तो ये लाइन ऐसे घूम के इधर आ गई, और सी से डी में जाने के लिए प्लेनेट ने टाइम कितना लिया, मान लो टाइम लिया टी टू। तो अब इस टी टू टाइम के अंदर इस लाइन ने जो एरिया स्वीप किया है वो ये वाला एरिया स्वीप किया है। पहले इतनी बात समझाओ, समझा गई मैंने इतनी बात। ये एरिया कितने टाइम में स्वीप किया गया है, टी वन टाइम में। ये एरिया कितने टाइम में स्वीप किया गया है, टी टू टाइम में। और एरिया स्वीप किया किसने है, सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन ने एरिया स्वीप किया है। तो केपलर सेकंड लॉ कहता है कि अगर ये टाइम बराबर हो गए तो ये एरिया भी, एरिया ऐसे भी बराबर हो जाएगा एरिया एस सी डी। अगर ये टाइम बराबर हो गए तो ये एरियाज भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कौन कहता है, केपलर सेकंड लॉ कहता है। केपलर सेकंड लॉ कहता है द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। दिस वाज़ द डेफिनेशन ऑफ केपलर सेकंड लॉ। अभी तो इसकी एक डेफिनेशन थी, सेकंड डेफिनेशन एक और बनाई थी मैंने। मैंने कहा था ये एरिया इस टाइम में स्वीप हो रहा है, ये एरिया इस टाइम में स्वीप हो रहा है। अगर मैं इस एरिया को इस टाइम से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस टाइम दोनों का रेशियो ले लूं, मैंने बोला एरिया एस ए बी अपॉन टाइम टी वन, और मैंने बोला एरिया एस सी डी अपॉन टाइम टी टू, ये दोनों रेशो अगर मैं बराबर ले लूं, तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, एरिया बाय टाइम, इसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। और एरियल वेलोसिटी इसका मतलब टी वन टाइम में और टी टू टाइम में आपस में क्या होगी, बराबर हो गई। इसका मतलब एरियल वेलोसिटी क्या आ गई, कॉन्स्टेंट आ गई। तो एक सेकेंड डेफिनेशन क्या बन गई, केपलर सेकंड लॉ की, कि कोई प्लेनेट अगर सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये तो था केपलर सेकंड लॉ। अब मैंने कहा था इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसका प्रूफ करवाया था मैंने। इसका क्या प्रूफ था, इसका प्रूफ करने के लिए मैंने कहा था हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूनिट नंबर 5 में। उस टॉपिक का नाम क्या था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसमें एंगुलर मोमेंटम एल बराबर 2m dA by dt ये फॉर्मूला था, याद करो आप। बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला बेटा मैंने प्रूव करवाया हुआ है। ओके, अब यहां से ध्यान से देखो, ये एरिया बाय टाइम, ये भी तो एरिया बाय टाइम है, और इसको बोला गया है एरियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये आ गई एरियल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, यहां से अगर आप dA by dt निकालो, बताओ कितना आएगा, वो आएगा L by 2m। बात समझ आ गई।
अब आपको पता है ये एल कौन है, एंगुलर मोमेंटम। अब अगर आप ये अब आप ये वाला फॉर्मूला अगर इस प्लेनेट पे लगा दो, आप कहोगे इस प्लेनेट पे एक्सटर्नल टॉर्क कितना लग रहा है, जीरो। आप कहोगे फॉर द प्लेनेट एक्सटर्नल टॉर्क बेटा कितना आ गया, जीरो आ गया। फॉर द प्लेनेट एक्सटर्नल टॉर्क बेटा कितना आ गया, जीरो आ गया। और हमने पीछे पढ़ा था टॉर्क बराबर क्या होता है, dl by dt। अगर ये टॉर्क जीरो आ गया इसका मतलब dl by dt जीरो आ गया, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन जीरो आ गया, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया और मास वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा रेशियो तो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। मतलब एरियल वेलोसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो यही तो सेकंड लॉ था। इसका मतलब इन सारी बातों से क्या प्रूव हो गया कि केपलर सेकंड लॉ प्रूव नहीं हो गया, क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने लगाई है वो प्लेनेट के लिए लगा दी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी क्या शो कर दी, कांस्टेंट शो कर दी। ठीक है बेटा, ये तो था केपलर सेकंड लॉ। फिर मैंने ना इसमें एक बात और बताई थी, अगर आप ध्यान से कभी कॉपी खोल के देखना, पढ़ना उसको अच्छी तरह से। मैंने आपको ये कहा था कि ध्यान से देखो, मैंने अभी भी क्या प्रूव किया है, मैंने अभी भी क्या माना है कि एंगुलर मोमेंटम किसका, प्लेनेट का। एंगुलर मोमेंटम मैंने क्या प्रूव कर दिया, कांस्टेंट प्रूव कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने एक चीज और प्रूव की थी, याद करो। मैंने कहा था कि मान लो ये क्या है, ये किसी प्लेनेट का इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना। ये है सन, सन या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, मान लो सन यहां है। अब वो पॉइंट बताओ जो पॉइंट सन के सबसे पास हो। सन के सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने कुछ बोला था एपिहेलियन। और जो पॉइंट सन से मैक्सिमम दूरी पे हो वो पॉइंट मैंने बोला था पी, इसको मैंने बोला था पेरिहेलियन, है ना। अब जो प्लेनेट घूमता है वो घूमते घूमते कभी ना कभी यहां भी आएगा, और घूमते घूमते कभी ना कभी यहां भी आएगा। जब प्लेनेट यहां होगा तो यहां उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी ए, और जब यहां होगा तो यहां उसकी वेलोसिटी बेटा हो जाएगी वी पी। अच्छा, यहां जब होगा प्लेनेट तो उसकी सन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ए, ये कम से कम डिस्टेंस है। और जब यहां होगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर पी, है ना। और मैंने क्या शो कर दिया है ऑलरेडी कि जो मोमेंट कि जो प्लेनेट घूम रहा है सन के अराउंड, उस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि प्लेनेट पे लगने वाला टॉर्क एक्सटर्नल कितना है, जीरो। तो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कितना है, कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ फटाफट सा फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताओ बेटा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये ही था, ये तो वैसे ही एक फार्मूला ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आया था, वैसे उसका बेसिक फार्मूला क्या था वो बताओ मुझे, वो था आर क्रॉस पी। और पी कौन है, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है। और यहां चेक करो आप, वेलोसिटी और आर की डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन मोमेंटम की, इसका मतलब मोमेंटम और आर की डायरेक्शन में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो अगर मैं आर क्रॉस पी खोलूंगा तो कितना आएगा, आर पी साइन 90, साइन 90 कितना हो गया बेटा, हो गया 1। यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगा, पी को क्या बोल दूं बेटा, मैं एम बी बोल दूं, तो एल बराबर क्या आ गया, एम बी आर। इतना क्लियर है। अब मैं क्या कहूंगा, ए पॉइंट पर मोमेंटम एल ए, पी पॉइंट पर मोमेंटम एल पी, दोनों बराबर होंगे क्योंकि मोमेंटम तो कांस्टेंट है। अब एल ए, एल ए बताओ क्या आएगा, वो आएगा एम वी ए आर ए बराबर क्या आएगा, एम वी पी आर पी। मैंने कहा था मास से मास को काट दिया, मेरे पास क्या आ गया, वी ए आर ए बराबर वी पी आर पी। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको पता है वी ए आर ए का प्रोडक्ट और वी पी आर पी का प्रोडक्ट दोनों सेम आएंगे। अब लेकिन ध्यान से देखो, यहां पर आर ए तो छोटा है आर पी से, अगर आर ए छोटा है तो उसका मतलब वी ए बड़ा होगा, और यहां पर आर पी बड़ा है तो उसका मतलब वी पी छोटा होगा। तो हमें पता चल गया कि जब डिस्टेंस प्लेनेट और सन के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और जब प्लेनेट और सन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि क्योंकि यहां पर आर ए कम है आर पी से, इसीलिए यहां पर वी ए ज्यादा है वी पी से। ये है तुम्हारा 59 एग्जांपल।
ये मैंने करा रखा है अपनी क्लास में। और बताओ क्या डाउट है? 57 क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड। द प्लैनेट मार्स हैज टू मून्स फोबोस एंड डेलमोस, यही क्वेश्चन है ना? हां जी है ना। करो बेटा मार्स है, मार्स मार्स के सेकंड हो गया फर्स्ट। हां हां मैं दोनों ही करा दूंगा बेटा, देखो लो पहले डायग्राम बनाओ। पहले तो डायग्राम बनाओ, बेटा ये कौन है मार्स, ठीक है? इसके दो मून है, एक है फोबोस एक है डेलमोस। फोबोस हैज पीरियड 7 hours 39 minutes एंड एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ दिस किलोमीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ द मार्स। ऐसा करता हूं मैं कहता हूं ये मार्स का मास कैपिटल एम मान लिया मैंने, और ये मैंने कौन सा मान लिया मून फोबोस, इसका मास बेटा मैंने क्या मान लिया स्मॉल एम, ये फोबोस है फोबोस। और मुझे इसकी ऑर्बिटल रेडियस ये बताओ कितनी गिवन हो गई, ये मुझे क्वेश्चन में इसको मैं आर बोल दूं। अरे आर आर कौन हो गया पता ना, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया, वही तो बनेगा इसका सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। तो आर बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और ये ऐसे चक्कर मार रहा है, और मुझे क्या पता है इसका टाइम पीरियड पता है। तो बताओ क्या आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है इसमें? इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा पता है क्या आपको? अगर नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ कैसे निकालना सिखाया था मैंने। इन दोनों के बीच में पहले सबसे पहले क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे, वो बताओ कितनी आएगी? वो आएगी जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, और यही फोर्स हमें क्या देगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या आएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा वाला क्यों लगा? क्योंकि टाइम पीरियड चेंज है। अब ये एम से एम तो कट गया, और ये आर को नीचे ले जाता हूं तो जी एम बाय हो जाएगा आर क्यूब, सामने आएगा 2 पाई बाय कैपिटल डी का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी एम बाय आर क्यूब। मुझे क्या निकालना है? मुझे टी पता है, आर पता है, मुझे एम नहीं पता। तो एम निकालो ना, ये तो पहला पार्ट हो गया बेटा, एम निकालो। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इनटू जी। क्या जी पता है? Yes, sir. क्या टाइम पीरियड पता है आपको इसका? स्मॉल आर पता है, कुछ भी टाइम निकालोगे? बोलो यही पार्ट था फर्स्ट पार्ट जो आपका डाउट है, इसने भी ऐसे किया हुआ। मैं तो ये सोच रही हूं कि हुआ क्यों नहीं है। आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या है? आपको देखो ना क्वेश्चन तो आसान है जमा, और ये कंसेप्ट भी कम से कम बोला था जो क्लास में, समझ रहे हो? आसान है क्वेश्चन। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा होगा? सेकंड पार्ट में उसने ऐसा बोला होगा ये फोबोस है और दूसरा डेलमोस दे दिया होगा, दोनों के आर में रिलेशन दे दिया होगा, एक का टाइम पीरियड दे दिया होगा, दूसरे टाइम पीरियड पूछ लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन होगा तो क्या कर लो, उसे हो जाएगा कर दो। बोलो और बताओ। 50 नो ऐसा सर, मेरे 50 कोई बात नहीं, फिर क्या होगा फिर से कर लो। एग्जांपल 50 बेटा करना बस ये लास्ट है, और पूछना तो पूछ लो। जी भी वैसे मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल 50 है, इन ए टू स्टेज लॉन्च ऑफ ए सैटेलाइट, द फर्स्ट स्टेज brings the satellite to a height of 150 km and the second stage gives it the necessary critical speed to put it in a circular orbit around the earth. Which stage requires more expenditure of fuel? Neglecting air resistance
स्पेशली इन द फर्स्ट स्टेज। तो बेटा मैं तो ये बता रहा हूँ, देखो ये तो है अर्थ, ठीक है, अर्थ का खुद का रेडियस कैपिटल आ रहा है, खुद का मास कैपिटल एम है, सैटेलाइट का मास अपन स्मॉल एम मान लेंगे। सैटेलाइट को दो स्टेज में लॉन्च करना है, उसकी पहली स्टेज पता है कहाँ है, उसकी जो पहली स्टेज है वो कहाँ है, वो कितनी हाइट पे है, फर्स्ट स्टेज जो है वो एच बराबर 150 किलोमीटर हाइट पे है, ठीक है, और उसकी सेकेंड स्टेज कहाँ है, वो अर्थ के बिल्कुल पास है, और अर्थ के बिल्कुल पास 10-15-20 किलोमीटर होगा, मतलब वो हाइट इतनी कम होगी कि उसको आगे मुकाबले में क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो सेकेंड स्टेज आप यही मान लो, ये हो गई सेकेंड स्टेज, जिसके अंदर मैं कहूंगा एच बहुत छोटा है किससे, आर से, तो ये इसने एच बताया ही, क्योंकि वैसे भी अपन आर प्लस एच को क्या बोलेंगे, आर ही बोलेंगे इसमें। तो मुझे करना क्या है, मुझे सैटेलाइट को पहले यहां लॉन्च करना है और यहां से यहां लाना है। तो आपसे पूछ रहा है यहां से यहां लाने के लिए कितना बर्डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है ना, यहां से यहां लाने के लिए कितना बर्डन करना पड़ेगा। सुरेश पूछिए, उसने बोला इन टू स्टेज लॉन्च ऑफ सैटेलाइट। चलो पहले एक बात बताओ, पहले सैटेलाइट को फर्स्ट स्टेज तक ले जाने के लिए कितना वजन करना पड़ेगा वो बताओ, पहले सैटेलाइट को फर्स्ट स्टेज तक ले जाने के लिए कितना वजन, सैटेलाइट बताओ पहले कहां है, यहां है सैटेलाइट, है ना, जब वो यहां है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप एक तरह से ऐसे मान लो कि ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बेटा बी पॉइंट, तो मुझे वर्क चाहिए फ्रॉम ए टू बी, और वो क्या होता है बेटा, वो होता है यू बी माइनस यू ए, तो मुझे पता ये यू ए है और ये मुझे पता यू बी है, अब अगर मैं इसमें से ये करूंगा माइनस तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि तो पहले माइनस है, तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ पे जी एम एम तो कॉमन ही आ जाएगा मेरे पास, अंदर कितना आएगा बड़े प्लस वगैरह 1/r - 1/r + h। लो ये पहली स्टेज पे लॉन्च करने का वर्क हो गया, क्या कह रहे हो, हो गया सर, नहीं कर लो क्वेश्चन, हाँ सर, अच्छा आपको ये बुक में करा हुआ समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूला भूल गई थी मैं, बोला बुक में फॉर्मूला लिखा ही नहीं हुआ, लिखा क्यों नहीं हुआ, डायरेक्ट कर दिया पोटेंशियल, आप फॉर्मूले से करो, वो फॉर्मूला भूल गई थी, आप कर लो क्वेश्चन क्या, और बताओ कोई डाउट है तो, एग्जांपल 35 एग्जांपल भाई, अरे क्यों मेरे जान निकाल कर दिया, उस दिन मैंने इतना उस दिन कैसे निकाला था मैंने, वो बड़ा भाई मुझे पता है, वीडियो देख लेने जाके, तो कौन सा मेरे तो जान निकल गई क्वेश्चन करते करते, वीडियो अच्छा क्यों नहीं आता, देख भेजी थी मैंने वीडियो, तो मुझे घंटे में यही आगे बात हम ना ये भी नहीं है, तुम्हारा बेकार क्वेश्चन है, कितनी कैलकुलेशन है मेरी, हटाना होता है किसने कहा था सर फॉर्मूले सारे लिखो मेरे सामने, अब मैं इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिखूंगा वन बाय वन, मेरे ध्यान सुनना, ठीक है, चलो करें स्टार्ट, अरे 3:34 में अभी तो तुम कह रहे हो सर टाइम तो हो गया 20 मिनट रह गए सर, हां तो 20 मिनट क्यों रह गए, 20 ही रह गए सर, राउंड ऑफ करो 40
राउंड ऑफ क्यों करो जो तुम 10 मिनट ले आए हो राउंड ऑफ करो 10 मिनट रह गए हां चल देखते हैं कोई नहीं पहले काम करो सुनो भाई फॉर्मूला सुनो बेटा ठीक है मैं इस चैप्टर के फॉर्मूले लिख रहा हूं सारे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बीच में कोई फॉर्मूला अगर मुझसे भी रह जाए तो तुम भी जानना कि सर ये रह गया फॉर्मूला तुम बताओगे मेरे को ठीक है कॉपी बंद कर दो अपनी कॉपी बंद कर दे भाई बिना लिख दो हां कॉपी वैसे रफ कॉपी खोलो फिर कॉपी मत खोलना अपने दिमाग से देखना इंग्लिश में रफ से कॉपी में तो तुम बराई लोगे देख के फिर क्या फायदा होगा पहला फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला है ना क्या था बी एम एम बाय आर स्क्वायर ये फोर्स का फॉर्मूला तो सबसे पहला फॉर्मूला याद है ऐसा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन स्केलर फॉर्म अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था याद है जी एफ 1 2 वेक्टर बराबर क्या लिखते याद है जी एम एम बाय आर 1 2 आर स्क्वायर और यहां पे क्या आता था याद करो मैग्नीट्यूड नहीं हो जाता था हैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं कुछ तो अगर आप उल्टा भी लिख दो कोई बात नहीं एफ 2 1 वेक्टर बताओ क्या जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर आर 2 1 क्या ये एक ही फॉर्मूला मान सकते हो आप दोनों क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में है वेक्टर फॉर्म में अच्छा इसके बाद बताओ दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको डेंसिटी दूसरा फॉर्मूला नहीं टॉपिक वाइज चलो आप डेंसिटी ये पहला टॉपिक था इस पे क्वेश्चन कराए थे मैंने काफी सारे आपको इसके बाद अगला फॉर्मूला मैंने कराया था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी उसमें स्मॉल जी बराबर आ गया था जी एम बाय आर स्क्वायर फिर इसके अंदर हाइट वाला सबसे पहले फॉर्मूला आया था बताओ क्या फॉर्मूला आया था जी एच बाय जी बराबर R by R plus H का whole square ये formula कब लगाते हैं for ज़्यादा height अगर height ज़्यादा है R के comparison में उसको neglect नहीं कर सकते तब ये formula लगाते हैं but अगर H बहुत छोटा हो जाए R से तो फिर formula क्या बन गया था GH by G equal to 1 minus 2H by R और इसी को आगे 3-4 formula में convert किया था मैंने वो तुम खुद कर लेना अपने आप इतना तो कर सकते हो ये height वाला formula था फिर डेप्थ वाला फॉर्मूला याद है उसमें तो कोई स्पेशल की तो था ही नहीं डेप्थ चाहे कम हो ज्यादा हो एक ही फॉर्मूला था ऐसा ही फॉर्मूला था लिखने में वो था जी डी बाय जी बराबर 1 माइनस डी बाय आर वो ये वाला फॉर्मूला था फिर तीसरा शेप वाला उसमें तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं और चौथा रोटेशन वाला रोटेशन वाले में फॉर्मूला बता दो क्या था जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा हां भाई आ गए आप डर को इसके बाद मैंने टॉपिक कौन सा पढ़ाया था ये दूसरा पॉइंट हो गया सारे फॉर्मूलेस में आगे ठीक है बेटा फिर तीसरा पॉइंट मैंने पढ़ाया था आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम क्या निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वो फॉर्मूला बताओ क्या था आई बराबर था जी एम बाय आर स्क्वायर या उसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले थे सोर्स मास की फॉर्म में भी टेस्ट मास की फॉर्म में भी और इसका तरीका क्या होता है किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए उस पॉइंट पर यूनिट मास अज्यूम कर लो यूनिट मास पे लगने वाली फोर्स निकाल दो उसी फोर्स को क्या बोल दोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल दोगे यही था क्या बस इसमें तो यही था क्वेश्चन तो इसके और इसके सारे क्वेश्चन सेम थे याद आया मुझे इसके और इसके सारे क्वेश्चन बेटा क्या थे सेम थे ओके इंटेंसिटी के बाद चौथा टॉपिक हमारा क्या आया था बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आया था यू बराबर क्या फॉर्मूला था माइनस जी एम एम बाय आर पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम बाय आर और यू और वी में रिलेशन क्या आएगा यू बराबर क्या बन जाएगा वी इंटू एम बन जाएगा इसको कैपिटल डब्ल्यू बोलते हो इसको स्मॉल डब्ल्यू बोलते हो तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू एम बन जाएगा फॉर्मूला अरे आई बात समझ गया और इसी के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा यू जिसको तुम वर्क फ्रॉम ए टू बी बोलते हो तो वो क्या बन जाएगा यू बी माइनस यू ए
और डेल्टा वी जिसको तुम स्मॉल डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी बोलते तो वो बन जाएगा वी बी माइनस वी ए। ये सारे फॉर्मूले ये नंबर फोर पॉइंट में सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। हाँ भाई सही बात है। अच्छा पांचवा पॉइंट बताओ फॉर्मूला किसका था और वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना क्या था वो फॉर्मूला क्या था बताओ अंडर रूट जी आर स्क्वायर नहीं वीओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा एम वी स्क्वायर बाय आर वो बनेगा रूट जी एम बाय आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर है ना स्मॉल आर स्क्वायर के स्मॉल आर स्मॉल आर इट इज नॉट नहीं बेटा स्मॉल आर आएगा ना आर प्लस एच एक्चुअल फॉर्मूला वही आएगा और अगर एच बहुत छोटा हो जाए आर से तो फॉर्मूला क्या बना था याद करो क्योंकि ये स्मॉल आर कौन है यहाँ पर वो आर प्लस एच है चेक करो ये स्मॉल आर कौन है यहाँ पर आर प्लस एच है और अगर एच बहुत छोटा है आर से तो ये स्मॉल आर कितना बन जाएगा कितना बन जाएगा फिर जी एम को बोलोगे जी आर स्क्वायर एक आर से एक आर करते तो वो हो जाएगा जी आर ओनली याद है दिस वाज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसी फॉर्मूले के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। अभी तो क्वेश्चन दिया था मैंने इसको लेकर नहीं बात समझ आई ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। अब इसमें भी स्पेसिफिकेशन बताओ क्या थे एच अगर बहुत छोटा हो ना आर से तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया था याद है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी बन गया था। और एक और फॉर्मूला बना था इसके अलावा एक और फॉर्मूला इसके अलावा बताओ क्या बना था 3 रो बाय पाई जी याद करो भी ये फॉर्मूला बना था मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूले इसी कंडीशन के लिए फॉर्मूले थे। आगे बेटा बात समझ में कितने फॉर्मूले लिख दिए मैंने पांच ये पांचवे टॉपिक में थे। अच्छा इसके बाद एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बताओ एंगुलर मोमेंटम तो कर ही लोगे अल्फा वेलोसिटी है वो तो हो जाएगा बीच में कवर एंगुलर मोमेंटम का ना कोई ज्यादा यूज तो नहीं है ना वो तो एक ही स्पेसिफिक वो बस कैपलर सेकंड लॉ में हल्का सा आ रहा है वो भी फॉर्मूला नहीं आ रहा उसका ऐसे ही आ रहा है ठीक है ना तो एंगुलर मोमेंटम का कोई खास ज्यादा यूज नहीं है इसमें। अच्छा पांचवें पॉइंट बताओ और बताओ बेटा एनर्जी बताओ टोटल एनर्जी कितनी थी एक तो थी टोटल एनर्जी वो थी माइनस जी एल एम बाय टू आर एक थी काइनेटिक एनर्जी वो थी जी एम एम बाय टू आर थी श्योर और एक थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो थी माइनस जी एम एम बाय आर इन तीनों रिलेशन को निकाल लो यस सर ठीक है। अच्छा ये हो गया एनर्जी ऑफ द हेडलाइट का फॉर्मूला। अब बताओ आगे नंबर 6 एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था इसके बाद अपन अंडर रूट 2 जी आर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या था भाई एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था रूट 2 जी आर एक ही फॉर्मूला है कोई केस कूस वाला है कोई केस कूस वाला है, कोई ऐसा नहीं कि अलग केस में अलग फॉर्मूला बन जाएगा एक ही फॉर्मूला है ठीक है ना या इसको ऐसे बोल सकते हो आप इसका एक और भी फॉर्मूला बनाया था ना अपने और एक फॉर्मूला बनाया था मैंने कि अगर बॉडी को स्कैप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी के फेंक देंगे तो फील्ड से बाहर जाने के बाद वेलोसिटी वी डैश वो कितनी बन जाएगी वो बन जाएगी वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पे वी जो है वो वी ई से ज्यादा है इसके क्वेश्चन भी पूछा था आपने मेरे से। ये हो गया स्कैप वेलोसिटी का टॉपिक। इसके बाद जियो शनि सैटेलाइट में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं उसमें तो वही टाइम पीरियड वाला पुराना फॉर्मूला निकाल के हाइट निकाली थी अपने आगे बेटा पासन में बस वो टॉपिक याद कर लेना तुम कि वो जो सैटेलाइट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के ऊपर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट टू हमेशा किसमें होता है रेस्ट में होता है और उसको लॉन्च करना पड़ेगा कौन से प्लेन में अभी काम कराना है मुझे रुक जाओ वो हमेशा लॉन्च कौन से प्लेन में करते हो इक्वेटर वाले प्लेन में लॉन्च करते हो उसको उसकी सेंस ऑफ रोटेशन सेम होनी चाहिए एज दैट ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट उसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस दैट इज 24 आवर उसकी जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए व्हाटएवर ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट अपने इसमें क्या आ गया केपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन अब केपलर फर्स्ट लॉ सिंपल है डेफिनेशन है सेकंड लॉ मैं आपको बता चुका हूं आज और थर्ड लो क्या था टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल टू क्यूब ऑफ आर क्यूब लो बेटा ये सारे फॉर्मूले इसमें क्या है ज्यादा फॉर्मूले हैं
हाँ भाई ठीक है बेटा, हो गया डन। चलो मिनट नंबर 7 अब क्या है, अभी तो टाइम पड़ा है ना, टाइम हो गया सर, हो गया सर, बस वेक्टर जो वेक्टर फंक्शन की डेरिवेशन करा रहा हूं। वेक्टर वाला कट तो लिया था, वो छोटी सी डेरिवेशन ही है, छोटी सी डेरिवेशन करा देता हूं। हां छोटी सी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सही है ना, तरीके से करवा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। देखो पहले याद करो स्केलर फॉर्म में डायग्राम कौन सा बना था, स्केलर फॉर्म में डायग्राम सिंपल बनाया था मैंने, कहा था ये मास कौन सा है m1, ये मास कौन सा है m2, और इन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, और फोर्स बराबर कितना आएगा जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। ये तो था स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में ये डायग्राम था बस। बट अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में आप ये डायग्राम तो बनाओगे बनाओगे, इसके अलावा आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी लेना पड़ेगा, ओरिजिन लेना पड़ेगा, इसके अलावा आपको इस मास का पोजिशन वेक्टर लेना पड़ेगा बेटा आर वन वेक्टर, इस मास का पोजिशन वेक्टर लेना पड़ेगा बेटा आर टू वेक्टर। बात समझ आ गई, अब ये हो गया अपना आर वन वेक्टर, ये हो गया अपना आर टू वेक्टर, और ये जो पॉइंट है इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है बात समझ आ गई। सबसे पहले आप यहाँ पे डिफाइन कर दो एफ वन टू फोर्स और एफ टू वन फोर्स, ये बताओ फोर्स, ये फोर्स ऑन एम वन, ये फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू है, और ये कौन है फोर्स ऑन एम टू ड्यू टू एम वन है, चलो ये बताओ इतना क्लियर है ये। अच्छा ये वाली फोर्स यहाँ पे दिखाना दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे बताओ, बताओ इस मास पे जो फोर्स लग रही है एम टू पे जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है, ये कौन सी फोर्स है एफ टू वन, सही बात है क्या, और इस पे जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है वो कौन सी फोर्स है वो एफ वन टू है, हालांकि ये फोर्स लगी इस लाइन के ऊपर ही रही है बट मैंने वैसे दिखा दी जानबूझ के ताकि थोड़ा सा बीच में ना मिक्स सब सब कुछ मिक्स ना हो सके, ये वाली फोर्स जो है ना वो मुझे यहां नहीं दिखानी चाहिए, वो मुझे यहां दिखानी चाहिए ऐसे F21, बट क्योंकि मुझे यहां पर और भी बहुत कुछ दिखाना है इसलिए मैं इसको यहां नहीं दिखा रहा, ऊपर अलग से दिखा रहा हूं, आप समझ जाओ ये वाली फोर्स यहां ये वाली फोर्स यहां। अब मैंने कहा था ये वेक्टर बना दिया आर1, ये वेक्टर बना दिया आर1, लेकिन ये जो लाइन है अभी मैंने इसको इसको वेक्टर नहीं बनाया, तो इसको वेक्टर कैसे बनाऊंगा, या तो मैं यहां एरर लगा दूंगा या मैं यहां एरर लगा दूंगा, तो मैं दोनों में से एक जगह में एक टाइम पे जो एरर लगाऊंगा ना, तो मैंने मान लो यहां एरर लगा दिया, तो ये बन गया ए बी वेक्टर, दिख रहा है आपको ये बन गया ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर कहां से कहां है वन से टू की तरफ है, तो इसको बोलेंगे आर वन टू वेक्टर, यानी कि ये कौन सा वेक्टर है, ये है आर वन टू वेक्टर। अच्छा अगर मैंने ये वाला एरो यहां लगाया होता तो फिर मैं इसको क्या बोलता बी ए वेक्टर, उसको मैं बोलता आर टू वन वेक्टर, वो सिर्फ सोचो लिखो मत, ठीक है ना, लिख तो रहा हूं बट दिमाग में सोचो आप। अच्छा अब मैंने कहा था अगले स्टेप में हम क्या करेंगे ए बी का ले लो मैग्नीट्यूड, तो इसका भी ले लो बेटा आर वन टू का भी ले लो मैग्नीट्यूड, सेम टू सेम अगर आप यहां ले लोगे मैग्नीट्यूड तो इसका भी ले लोगे मैग्नीट्यूड, और आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ, और मुझे पता है इस वेक्टर की लेंथ कितनी है वो तो आर है, इसका मतलब ये भी आर आएगा और इसका मतलब ये भी कितना आएगा आर आएगा, अरे लेंथ तो चाहे ऐसे मापो आर ही कहलाएगी ना, नहीं बात समझ आएगी, तो ये भी आर है ये भी आर है। फिर मैंने कहा था अगर ये आर वन टू वेक्टर दिखा रहा हूं तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आर वन टू कैप, बात समझ आएगी, आर वन टू कैप ये कौन है, ये है यूनिट वेक्टर,
ऑफ आर वन टू वेक्टर, जो ये बड़े वाला वेक्टर है आर वन टू वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कौन सा है? आर वन टू कैप। अब मुझे बताओ जो आर वन टू कैप आएगा, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये क्या आएगा? ये आएगा आर वन टू वेक्टर बाय आर वन टू वेक्टर मैग्नीट्यूड, सही बात है, और कौन होता वो फोर्स में होता स्क्वायर बेटा, याद ना हो तो इसको क्या बोल सकते हो, आर बोला तो इसको क्या आर वन टू वेक्टर बाय आर बोल सकते हो क्या आप? सेम टू सेम अगर आप यहाँ देखोगे तो आर टू वन कैप वो क्या आएगा, आर टू वन वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा, आर टू वन वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसको तुम बोलोगे आर टू वन वेक्टर अपॉन आर, ये सेम क्या कर सकते हैं। चलो पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं काम करता हूं, मैं आपको ये वाला वेक्टर फोर्स वेक्टर लिख के दिखाता हूं, ठीक है भी? F12 वेक्टर बताओ क्या लिखोगे आप इसको, आपको पता है फोर्स वेक्टर है, वेक्टर के पास होती है बेटा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में होती है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, वो तो मुझे पहले पता है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन मुझे कौन दे रहा है, आर वन टू कैप दे रहा है, तो यहाँ लिख दो आर वन टू कैप, ये लो ये बन गया न्यूटन सेकंड सीजन लॉ ऑफ इन वेक्टर फॉर्म। और ऐसे बेटा अब मुझे बताओ अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसके लिए यूनिट वेक्टर कौन सा आ जाएगा, इधर आ जाएगा वही वाला आर टू वन कैप, तो एफ टू वन वेक्टर बताओ कितना आ जाएगा, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आर टू वन कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसके बाद ये भी कहा था कि R12 कैप और R21 कैप, R12 कैप बराबर होता है माइनस ऑफ R21 कैप के, अगर आप इसको इक्वेशन वन इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देते हो तो इक्वेशन नंबर वन के अंदर R12 कैप को क्या बोलोगे, माइनस ऑफ R21 कैप बोलोगे। आप एक बार इक्वेशन नंबर लो बताओ, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर बताओ कितना आ गया, G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, और ये आर वन टू कैप को क्या बोलोगे, माइनस ऑफ आर टू वन कैप बोलोगे, सही बात है। अब इस माइनस को छोड़ दो, इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे माइनस ऑफ एफ टू वन वेक्टर, तो एफ वन टू वेक्टर बराबर हो गया माइनस ऑफ एफ टू वन वेक्टर, ध्यान से देखो ये एक्शन बराबर हो गया माइनस ऑफ रिएक्शन, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव कर दिया आपने, बस यही था मेरे ख्याल से, सही है। क्या टाइम हुआ, 52 कुछ और पूछना है? कुछ नहीं पूछना, और पक्का अब तैयारी है तुम्हारी फुल, कर लो भी तैयारी, बताने का क्या मतलब होता है, ये चैप्टर ना ऐसा है, इसको कर लो, जब कर रहे हो तब आपको आ रहा है, इसको छोड़ दोगे दोबारा लेने बैठोगे तब नहीं आ रहा, ये कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो आएगा, प्रैक्टिस में कमी है अभी तुम्हारी, करो और प्रैक्टिस करो, टेस्ट तुम्हारा मंडे को है, कल का टाइम आपका इस बैच का 7 से 8 है, यूनिट नंबर 7 स्टार्ट होएगा, टाइम पे आ जाना, 7:30 बताना, बी ऑन टाइम 7:05 तक लास्ट, बस आ जाना, ठीक है, और एक घंटा पूरा पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, तू आ जाओ, चल ओके जाओ। थोड़ा पानी पीलो।